Good morning, dear parents and dear students. Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 4, subject science and chapter number 5 and lecture number 2. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then may you clear to related teacher. आपको इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जैसे स्कूल ओपन होगा आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से पूछ लीजिए. टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ प्लांट्स ऑन माउंटेन्स. नाउ वी विल सी हाउ द प्लांट्स दैट प्रेजेंट दैट लीव्स दैट ग्रो ऑन द माउंटेन्स एडेप्टेड. माउंटेन पर रहने वाले प्लांट्स कैसे उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एडेप्टेड है हम वो देखेंगे. High on the mountains, the climate is usually very cold. Sometimes there is a heavy snowfall. The trees that grow here have adapted themselves to the cold, snowy climate. Okay, so as you know very well that the mountain area are usually heavy snowfall occurs, and so the plants that grow in that a particular area that on mountains are adapted toward the cold and the snowy climate. जैसा कि आप जानते हैं जो माउंटेन्स होते हैं जो पहाड़ी इलाका होते हैं जैसे शिमला हो गया मनाली ये हिल स्टेशन है मतलब माउंटेन्स पे बने हुए शहर है सिटीज़ है. ओके वहाँ पे मोस्टली माउंटेन्स पे क्या रहता है जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है ठंडा रहता है मतलब पूरे साल क्लाइमेट मोस्टली ठंडा ही रहता है और कभी कभार तो बहुत ज़्यादा हैवी क्या हो जाता है स्नोफॉल बर्फ़ गिरने लगता है. ओके तो जो भी प्लांट्स वहाँ पे ग्रो करते हैं वो उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो ठंडा और स्नोवी क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं एडेप्टेड होते हैं. फर्स्ट पॉइंट द ट्री आर टॉल स्ट्रॉट एंड टॉल स्ट्रेट एंड कॉन शेप्ड सो दैट द स्नो कैन स्लाइड ऑफ ईजिली. यू कैन सी द ट्री. If you have ever seen the Christmas tree is present on the mountain and that's why the shape of the Christmas tree is the like a triangle. Okay, that is known as a cone shape. अगर आपने कभी Christmas tree देखा होगा तो आप देखेंगे उसका shape कैसा होता है triangle जैसा होता है ए जैसा होता है triangle जैसा होता है क्योंकि वो कहाँ present होता है mountains पे. So mountains पे रहने वाले plant जो होते हैं वो straight होते हैं टॉल लंबे होते हैं और कॉन शेप्ड होते हैं मतलब ट्राइंगल शेप के होते हैं आपको पिक्चर्स में नज़र आ रहा है. ओके सेकेंड पॉइंट द लीव्स आर नीडल लाइक एंड हैव वैक्सी कोटिंग. द नीडल शेप्ड लीव्स डू नॉट अलाउ द स्नो टू गेट एक्यूमुलेटेड वाइल द वैक्सी कोटिंग हेल्प्स टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर. द लीव्स ऑफ दैट प्लांट आर यूजली लाइक नीडल शेप. ओके And they have a waxy coating on it. Waxy coating means wax like sticky substance present on the leaves. Wax that used to make the candles. Candles बनाने में जो white color का wax होता है मतलब उसके जैसी क्या होती है चिपचिपी सी और वैसी क्या होती है coating होती है किसके ऊपर leaves के ऊपर और leaves की shape क्या होती है needle जैसी सुई जैसी उसकी क्या होती है leaves की shape होती है. क्यों होती है ताकि उस पर जो बर्फ़ है वो क्या नहीं हो सके जमा नहीं हो सके. ओके और जो वैक्सी कोटिंग होती है जो वैक्स जैसी जो कैंडल वाइट कलर की जो कैंडल आती है वो आपके जो वैक्स उसका जो ऐसा टेक्सचर होता है जैसे चिपचिपा वो होती है किसके ऊपर प्रेजेंट होती है लीव्स के ऊपर ताकि कम से कम पानी क्या हो प्लांट्स में से बाहर निकले. ओके द ट्रीज़ आर यूजली फ्लावरलेस एंड हैव अ कोन विद अ सीड इनसाइड दैम. सच ट्रीज़ आर कॉल्ड कॉनिफर पाइनर पाइन डियोदा फीर एंड द स्पर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉनिफर ट्रीज फाउंड ऑन द माउंटेन. ओके नाउ एज यू नो दैट अ ट्रीज यूजली डू फ्लावरिंग. ओके बट दिस टाइप ऑफ ट्री दैट प्रेजेंट ऑन द माउंटेन्स आर फ्लावरलेस मीन्स देर इज अ नो फ्लावर ऑन द प्लांट बट दे हैव अ कॉन लाइक स्ट्रक्चर इन विच द सीड्स आर प्रेजेंट एंड दिस काइंड ऑफ ट्रीज
in which there is no flower, on which there is no flower occur, but they have a cone-like structure, and in which seeds are present are known as the conifers. Okay, ऐसे जो प्लांट होते हैं, जो माउंटेन्स पे पाए जाने प्लांट्स होते हैं, उनमें फ्लावरिंग नहीं होती, मतलब उनके ऊपर फ्लावर्स नहीं आते. बाकी आप देखेंगे जो ट्रीज़ या प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर क्या आती है, फ्लावर्स आते हैं. फ्लावर्स में फिर क्या होते हैं, फ्लावर फिर फ्रूट में चेंज होते. क्या प्रेजेंट होते हैं, सीड प्रेजेंट होते हैं. और ऐसे प्लांट जो क्या करते हैं, फ्लावर नहीं देते, और जिनके फ्लावर के रूप में, फ्लावर की जगह क्या होते हैं, कोन, और उसमें क्या होते हैं, सीड, उनको हम बोलते हैं कॉनिफर, CONIFERS, कॉनिफर्स. एग्जाम्पल क्या है, पाइन, डियोदा, फिर एंड द स्पर्स. ये प्लांट्स के नाम है जो माउंटेन्स पे मिलते हैं. ओके, नाउ प्लांट्स इन द प्लेन्स, दैट मीन्स इन द फ्लैट एरिया. ऐसे प्लांट जो ज़मीन के फ्लैट एरिया, समतल एरिया जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं. फर्स्ट, इन प्लेस दैट एक्सपीरियंस वेरी कोल्ड विंटर, द ट्रीज आर बिग एंड टॉल विद द ब्रॉड लीव्स टू कैप्चर लॉट ऑफ सनलाइट. द ट्री शेड देयर लीव्स बिफोर द विंटर सीजन बिगिंस एंड दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द हार्श कोल्ड वेदर. सच ट्री आर कॉल्ड डेसिडियस ट्री, फॉर एग्जाम्पल मैपल एंड ओक. ओके, इन द प्लेन्स, on the plains or the flat area where there is a very cold in the winter season, in that particular area the trees which are found there are big, tall and with a wide area leaves, means जो वहाँ की wide area leaves, okay, so they can capture more and more sunlight because there is a winter, that means winter means less sunlight, so the leaves can capture more and more sunlight in the winter season, and as soon as the winter season come, okay, as soon as the winter season begins, they shed their all their leaves and they become bare, okay, and this kind of trees are known as deciduous trees. ऐसी जगह जहाँ पे mostly ठंडी पड़ती है, जहाँ का climate क्या है, ठंडा climate है, okay, वहाँ बहुत ही बड़े बड़े, दूसरी टॉल होते हैं, मतलब लंबे लंबे होते हैं, और ब्रॉड लीव्स, ब्रॉड लीव्स मतलब उनकी जो पत्तियां होती है, पेड़ों की लीव्स होती है वो बहुत ही चौड़ी चौड़ी, बहुत ही बड़ी बड़ी होती है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कैप्चर कर सके, सनलाइट को कैप्चर कर सके. क्योंकि आपको जहाँ, जैसा कि पता है कि जो जहाँ ठंडे एरिया होते हैं वहाँ पर सनलाइट या सन ना के बराबर नज़र आता है, तो जितना भी उनको मिले वो, लेकिन एक बार में ही बहुत सारा क्या कर दे, सनलाइट को अपने अंदर ले ले, खींच ले, ठीक है. फिर जैसे ही वहाँ पे विंटर सीजन और आ जाता है, जैसे ही विंटर सीजन शुरू हो जाता है, तो वहाँ के सारे पेड़ क्या करते हैं, अपने पत्तियों को नीचे गिरा देते हैं, शेड मतलब झाड़ना, ओके, सारी पत्तियाँ उनकी गिर जाती है, ताकि वो ठंड से क्या कर सके, बच सके. ऐसे ट्रीज़ को हम क्या बोलते हैं, डेसिड्यूस ट्री, जो ऐसे ट्रीज़ जो अपनी पत्तियों को विंटर सीजन में झाड़ देते हैं या जिसकी सारी पत्तियां गिर जाती है, ऐसे ट्रीज़ को हम बोलते हैं डेसिड्यूस ट्री. एग्जांपल मैपल एंड ओक. ये मैपल और ओक ट्री का नाम है, आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है, क्लियर. सेकेंड पॉइंट, इन प्लेस वेयर द क्लाइमेट इज हॉट, ट्रीज शेड मोस्ट ऑफ देयर लीव्स इन द समर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द हीट. Example, पीपल, गुलमोहर, टिक, साल एंड नीम. ओके, एंड द प्लेस वेयर द क्लाइमेट इज हॉट, लाइक द राजस्थान. ओके, द क्लाइमेट इज हॉट, द ट्री शेड देयर मोस्ट ऑफ देयर लीव्स इन द समर सो इट कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम द सन एंड द हीट. ऐसी जगह जहाँ पे मोस्टली गर्मी पड़ती है, जहाँ का क्लाइमेट सूखा है, गर्मी गर्म वाला है, जैसे राजस्थान है, वहाँ पे जैसे समर आता है, आप देखेंगे अभी पतझड़ का मौसम आएगा, जिसमें सारी क्लाइमेट गर्म ही रहता है, ओके, सीज़न चेंज होते हैं. जैसे ही यहाँ पे गर्मी आती है तो प्लांट्स क्या करते हैं, अपने सारी पत्तियों को झाड़ देते हैं, गिरा देते हैं, ताकि उनको ज़्यादा गर्मी सहन करनी ना पड़े, ओके, क्योंकि पत्तियाँ होगी तो पत्तियाँ सनलाइट कैप्चर करेगी, सनलाइट करेगी कैप्चर, तो ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे. एग्जांपल पीपल हो गया, गुलमोहर हो गया, टेक, साल, नीम, ये सब.
Next, plants that grow in areas of heavy rainfall have a leaves that remain green all the year round. They are known as evergreen trees, the banyan and the rubber plant. Okay, now plants, the place where there is a heavy rainfall, there most of the year the rainfall occur, this that in that area the plants are always remain evergreen. That means they never shed their leaves, they never get dried off. Okay, and this kind of trees are known as evergreen tree. ऐसी जगह जहाँ पे बहुत बारिश होती है, ऐसे जंगल जहाँ पे बहुत बारिश होती है, मतलब पूरे साल मोस्टली बारिश ही होती रहती है, ऐसी जगह पे प्लांट्स क्या होते हैं, हमेशा ग्रीन रहते हैं, मतलब कभी सूखते नहीं है, कभी उनकी लीव्स कभी झड़ती नहीं है, क्योंकि पानी बराबर मिलेगा तो पत्तियाँ तो हमेशा हरी भरी रहेगी. और ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं एवर, एवर मीन्स हमेशा, ग्रीन मतलब हरी भरी, एवर ग्रीन ट्रीज. ओके, जैसे बनियान ट्री हो गया, बरगद का पेड़, या फिर रबड़ का प्लांट. ओके, सो हियर वी कंप्लीट आवर दिस लेक्चर. होमवर्क टाइम, देयर इज ओनली टू वर्ड, एक्यूमुलेटेड मीन्स जमा हुआ, प्रिवेंट मीन्स रोकना. डू दिस वर्क इन योर रफ नोटबुक, क्लिक द पिक्चर एंड सेंड इट ऑन द स्कूल. ओके, थैंक यू. टिल देन स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे.